नमस्कार दोस्तों ओ टू आई एस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम कुलदीप सिंह है और हम जो है इस सेशन में कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी बात को Uh, हम लोग बात कर रहे थे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में जो कि फोर्थ ऑफ अक्टूबर को हुआ था और इस एग्ज़ाम से जैसे मैंने अगेन एनालिसिस की जो वीडियो ली थी उसमें मैंने बताया था दिस एग्जाम वाज वेरी वेरी अनकन्वेंशनल एंड कहीं ना कहीं अनप्रडिक्टेबल एग्जाम भी था जो कि यू का पैट स्टैंडर्ड uh, भी रहा है सो so, हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे थे मैंने जनरल एनालिसिस का ले लिया था और अब हम लोग जो है सेक्शनल एनालिसिस की बात करने वाले हैं और जो एनालिसिस में जो आज लेने वाला हूं दैट विल बी कवरिंग योर सब्जेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट ठीक है जो हम लोग अब भी जब भी तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो हम लोग इस मॉड्यूल को जो है एक साथ ही पढ़ते हैं मतलब ये मॉड्यूल जो है मोर और लेस इट इज इन कंटिन्यूट कंटिन्यूटी में देखने में मिलता है जोग्राफिकल पोर्शन एंड उसके बाद आपका जो एग्रीकल्चर या जो आपका जोग्राफी में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आता है प्लस उसके बाद जो आपका बायोस्फीयर या फिर इन्वायरमेंट वाला इशू होते हैं वो सारे जो है हम लोग कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर एक सिंगल मॉड्यूल में कवर करते हैं सो so इनका एनालिसिस भी जो है इट हैज़ टू बी डन इन अ सिंगल वीडियो ठीक है जी सो दैट्स वाय एम गोइंग टू डू ऑल और आई गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस क्वेश्चन जोग्रफी एग्रीकल्चर एनवायरमेंट के ऊपर जो है इन क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा एंड कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि किस तरह से

और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सो so, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करने से पहले अगेन इफ यू वॉन्ट दी डी एफ ऑफ दिस सेशन वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा एंड अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए प्लस आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ओ टू आई एस अकेडमी एप्लीकेशन है ये आपको गूगल प्ले uh, स्टोर से एंड एंड आपका जो ऐप स्टोर है वहाँ पे दोनों में मिल जाएगी और यहाँ पे हमने बहुत सारे कोर्सेज फ्लोट कर रखे हैं दे आर लाइक वेरी वेरी नॉमिनल फीस कोर्सेज जिसमें आप अपने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को बहुत ही होलिस्टिक मैनर में प्रिपेयर कर सकते हो ठीक है जी सो so, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगेन इस साल का जो है हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं हंड्रेड क्वेश्चन कहां कहाँ से आए थे मैंने जो पिछली बार बताया था उसी चीज़ को मैं दिखाने लगा हूँ सो so, मैंने बताया था ओवरऑल आपके जो हंड्रेड क्वेश्चन में से अगेन ये पांच मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट हैं इन्हीं मॉड्यूल्स में जो है हम लोगों ने देखा था एक और मॉड्यूल है करंट अफेयर्स का बट मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ जो करंट अफेयर्स था वो क्या था वो इन्हीं सेक्शन में बहुत अच्छे से ब्लेंड किया हुआ था और दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी है ना सो अगेन पांच सेक्शंस में आज जो सेक्शन की मैं बारे बात करने वाला हूँ जो कि जो कि ज्योग्राफी इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर है जो कहीं ना कहीं अगर मैं पिछले साल के ट्रेंड्स की भी बात करूंगा तो उसके अंदर जो है पच्चीस से तीस प्रतिशत जो आपका सिलेबस है प्रिलिम्स का वो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से कवर होता है ज्योग्राफी एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट ठीक है सो so आप आप जो है अगर आप इस प्रॉपर इस सेक्शन को बहुत ढंग से प्रिपेयर करते हैं अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आप अपना थर्टी परसेंट सिलेबस को कवरेज करते हैं और उसमें अराउंड फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट जो आप मार्क्स हैं उसमें स्कोर भी कर सकते हैं इफ यू हैव प्रिपेयर देम वेरी होलिस्टिकली ठीक है अभी हम देखेंगे किस तरह से सो so, uh, आप हम जो है आज इस पर्टिकुलर सेशन में इसी चीज को बात करने वाले हैं विल बी टॉकिंग अबाउट जोग्राफी इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर एंड अगर मैं इस सत्ताईस क्वेश्चन का और फर्दर बाइफरफिकेशन लू तो आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर से इस बार बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे वुपिंग नाइन क्वेश्चन वर देयर फ्रॉम जोग्रफी सॉरी एग्रीकल्चर uh, uh, से नाइन क्वेश्चन दे रखे थे अगर मैं टोटल एग्रीकल्चर की बात करूं देखो नौ uh, क्वेश्चन नहीं थे एक्चुअली में बारह क्वेश्चन थे देवर ट्वेल्व क्वेश्चन ऑन ऑन एग्रीकल्चर बट अगेन जो नौ क्वेश्चन थे देवर प्योरली और समहाउ मतलब मोर फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एज अ स्पेशलाइज सब्जेक्ट उसके ऊपर ज्यादा फोकस थे एंड देन रेस्ट थ्री ऑफ देम वर लाइक मोर एन इकोनॉमिक क्वेश्चन इकोनॉमी के अंदर भी हम लोग एग्रीकल्चर एक सेक्टर को देखते हैं और वहां पे हम लोग गवर्नमेंट स्कीम्स को देखते हैं तो वो जो तीन क्वेश्चन थे आपके वो उस एंगल से जो है हम लोग इकोनॉमी में हम लोग डिस्कस uh, करने वाले हैं सो so मैंने यहाँ पे नहीं डाले बट ओवरऑल अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ बारह क्वेश्चन थे जिसमें से नौ क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर के ऊपर थे जिसमें थोड़ा बहुत ज्योग्राफी का पोर्शन भी आ जाता है थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर एज अ साइंस का पोर्शन भी आ जाता है सो so ये नो नौ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिले ठीक है जी एन्वायरमेंट में जो आपको बारह क्वेश्चन देखने को मिले अगेन काफी ज्यादा अच्छे आ, काफी ज्यादा होलिस्टिक लेवल में एन्वायरमेंट पूछा हुआ था जिसमें आपको काफी करंट एज वेल एज कंटेप्रेरी अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले एंड जोग्रफी को जो है अगेन जैसे हम लोग हर साल देखते आ रहे हैं ज्योग्रफी में ड्रास्टिकली लो क्वेश्चन का जो है दर जारी है पिछले साल भी जो जो है अराउंड लाइक आई गेस और क्वेश्चंस वर देयर उससे पिछले साल जो है चार या पांच क्वेश्चंस आए थे सो so, इसी तरह से इस साल भी जो आपका जनरल ज्योग्रफी है उसके अंदर से सिर्फ छह ही क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है जी हम लोग देखेंगे किस किस तरह से ये पूछे गए हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं ठीक है जी सो so, यहाँ पे भी हम लोग ट्रेंड्स निकालने की कोशिश करेंगे किस तरह के आपको जोग्रफी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं गाइज पिछले तीन साल का अगर हम ट्रेंड्स देखते हैं लास्ट थ्री इयर्स में अगर मैं तीनों ही सब्जेक्ट्स की बात करूं तीनों ही मॉड्यूल्स की बात करूं ज्योग्रफी इनवायरमेंट और एग्रीकल्चर की सो यू विल सी लास्ट थ्री ईयर में यू विल सी देर इज अ कांस्टेंट लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्ट इन जोग्राफी जोग्राफी के अंदर आपको कॉन्स्टेंटली लो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस साल जो है आपको छह क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पिछले साल दिस क्वेश्चन सेवन एंड उससे पिछले साल दो में दे वर जस्ट फोर क्वेश्चन ऑफ जोग्रफी ठीक है जिनरल जोग्राफी के आपको जो है सिर्फ चार क्वेश्चन देखने को मिले थे एग्रीकल्चर जो है आप Uh, 2018 में कंपैरेटिवली कम थे सिर्फ चार क्वेश्चन थे 19 में जो है दे वर वेरी लो सिर्फ दो क्वेश्चन जो है, जो है जोग्राफी एग्रीकल्चर uh, के ऊपर पूछे थे बट इस साल जो है एग्रीकल्चर uh, ने बहुत ज्यादा बाउंस बैक किया है और नौ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको एग्रीकल्चर देखने को मिलेंगे ठीक है जो भी यहाँ पे पेपर दे के आया था मोस्ट ऑफ देम वर सेइंग दैट एग्रीकल्चर जो है काफी ज्यादा टेक्निकल लेवल के एग्रीकल्चर पूछ रहे थे एंड काफी ज्यादा क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर के विच इज अगेन अनप्रेसिडेंटेड जो हम लोगों ने यूपीएससी में देखे हैं ठीक है थेके? अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें दो में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछे गए थे अराउंड ट्वेंटी क्वेश्चन देर ऑन एनवायरमेंट ट्वेंटी वन क्वेश्चन देर बट इस साल जो है एनवायरमेंट के क्वेश्चन कंपेरेटिवली कम हुए एंड लार्जली हमने देखा कि जो इन्वायरमेंट का शेयर है वो किसको गया वो जो है हम एग्रीकल्चर uh, के क्वेश्चन को चला गया सो so अगेन हम लोग ये जो है क्या मिक्स एंड बैक देख रहे हैं बट इसमें ओवरऑल आप ट्रेंड देख सकते हो ओवरऑल ट्रेंड आपका यही है कि यू कैन सी अगेन ओवरऑल लाइक थर्टी क्वेश्चन हियर एंड देन उसके बाद ट्वेंटी क्वेश्चन हियर एंड देन ट्वेंटी फाइव लाइक अराउंड ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन आर हियर सो ओवरऑल अगर आप देखो तो पच्चीस से तीस परसेंट आपका जो सिलेबस है वो इसी मॉड्यूल से आता है सो so अगर आप इस मॉड्यूल को हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करते हो दट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन गेटिंग दो थर्टी परसेंट कवरेज ऑफ योर सिलेबस ठीक है जी सो so ये हम लोग को करना है अगेन जोग्राफी आप, आप सोच सकते हो कि भाई जोग्राफी में पांच या छह क्वेश्चन आ रही है इसको छोड़ देते हैं बट ऐसा नहीं कर सकते हम लोग ज्योग्रफी दो प्री में जो है विद टाइम इसका सिग्निफिकेंस काफी डिक्रीज हुआ है बट मेन्स में जो है इसका सिग्निफिकेंस कंपेरेटिवली इंक्रीज हुआ है हम लोग देख रहे हैं एवरेज वन थर्ड ऑफ आपका जीएस वन का पेपर जो है मेन्स का वो आपका ज्योग्राफी से पूछा जाता है सो अगेन दैट्स वाई ज्योग्रफी जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप प्री में हम लोग उसको जो है Uh, uh, दो प्री में क्वेश्चंस कम आ रहे हैं बट ओवरऑल अगर हम ज्योग्राफी का सिग्निफिकेंस देखें तो उसे नेगेट नहीं किया जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस में जो है आपको जो प्री के बाद आपको मेंस में बैठना है तो अगर आप मेंस में प्रिपेयर नहीं होंगे तो आपको मार्क्स का जो है लॉस होगा ठीक है एक और हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जोग्रफी के क्वेश्चन जो है वो क्यों डिक्रीज हो रहे हैं एंड जोग्रफी पहले जो है लाइक पंद्रह सोलह क्वेश्चन आते थे बट विद टाइम वॉट इज है जो टू थाउजेंड फोर्टीन जब से हम लोगों ने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर भी जो है साथ में क्लब किया है प्रिलिमिन्ररी में सिविल सर्विस प्रिलिम्स में सो उसके उससे क्या हुआ है बेसिकली कि जो बच्चे स्पेशली फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं जो आपका फॉरेस्ट आपका फॉरेस्ट्री के बैकग्राउंड से आते हैं एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों को एक एज देने के लिए ताकि वो जो है कहीं ना कहीं पिछड़ ना जाए और सिविल सर्विस वाले जो है उनको खाना जाए सो तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है हम लोगों ने क्या उन लोगों को भी एक बेसिकली उनका एक वेटेज देने की कोशिश करी है प्रिलम्प में ठीक है सो ये चीजें आपको यहां पे देखने को मिलती जो ये चीज आप देख रहे हो एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट का इंक्रीजिंग डोमिनेंस जो आप देख रहे हो वो कहीं ना कहीं इट इज

बट या थिंग वॉज की एग्रीकल्चर जो है इस बार काफी टेक्निकल पूछा गया था बट अगेन इसको भी आप उसी के साथ रिलेट कर सकते हो कि जो फॉरेस्ट सर्विसेज के बच्चे हैं वो हर साल पिछड़ जाते हैं सिविल सर्विस वाले इतनी अच्छी तैयारी करके बैठ देंगे फॉरेस्ट सर्विस वालों की कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है सो अगेन बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यूपीएससी uh, कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को भी ध्यान में रखती है कि उनके साथ जो है ज्यादा ना हो जाए उनको भी जो है बराबर मौका मिले सो so, उनके फील्ड से इन्वायरमेंट उनका फील्ड है एग्रीकल्चर उनका फील्ड है बेसिकली uh, फॉरेस्ट्री उनका फील्ड है जुआलॉजी उनका फील्ड है तो उस फील्ड से जो है हम क्वेश्चंस काफी देख रहे हैं ठीक है सो अगेन यही आपको जो है यहाँ पे लास्ट थ्री में ट्रेंड देखने को मिलता है एंड दिस इज दी वी कैन से क्रग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर ठीक है बट हम लोगों ने क्या करना है हम लोगों को अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है पिछले साल भी मैंने बोला था बट इस साल भी हम मैं यही बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है हमें इन्वायरमेंट को थोड़ा ज्यादा होलिस्टिकली पढ़ने की जरूरत है अलोंग विद एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के ऊपर भी जो है थोड़े और नोमांस देखने की जरूरत है स्पेशली ऑब्जर्वेबल अंडरस्टैंडिंग जो है उसे इंक्रीज करने की जरूरत है ऑब्जर्वेबल अंडरस्टैंडिंग होती है जैसे कि आप सुन रहे हो न्यूज में कि शुगर केन का क्राइसिस चल रहा है शुगर केन हम देखते हैं शुगर क्राइसिस के शुगर की जो प्राइस क्रैश के कारण हम लोग देखते हैं शुगर केन फार्मर्स काफी प्लाइट में होते हैं या कॉटन फार्मर्स का होता है तो जब भी इस तरह की चीजें आते हैं यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू गो बियॉन्ड वॉट वी आर शनली स्टडिंग है ना हम लोगों क्या है हम लोगों को फॉर कॉटन प्लांट के ऊपर कॉटन के ऊपर भी क्वेश्चन भी आ रखा है ना तो कॉटन के ऊपर क्वेश्चन आया शुगर के ऊपर क्वेश्चन आया सो अगेन हम लोग को क्या करना है हम लोग इन... इन्वायरमेंट एग्रीकल्चरल एज वेल एज जोग्राफिकल परस्पेक्टिव से इन तीनों प्रिजम्स को लेके हमें किसी पर्टिकुलर न्यूज uh, को देखना होता है अगर वहां पे इस तरह से कोई चीज निकल रही है शुगर केन के ऊपर निकल रहा है लेटेस से एनी काइंड ऑफ और कोई नई तरह की फार्मिंग निकल के आई है कोई नई तरह की इरीगेशन प्रैक्टिस निकल रही है तो इसको जो है आपको इस एंगल से देखना है देन देन ओनली आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो ऑब्जर्वेबल अंडरस्टैंडिंग मैं कह रहा हूँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज की डेट में इफ यू वॉन्ट टू क्रैक योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सो यू नीड टू हैव दिस ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स ठीक है ना ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कि आप ऑब्जर्व कर सको चीजों को एंड देन उसके पीछे के तथ्यों को ढूंढ सको चलो सो so हम लोग अब बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर फटाफट से क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं लेट्स सी इस ईयर जो है जो किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले एंड इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं and we'll see which question is uh, easy which question is medium which question is difficult so first question is for geography now this is a geography uh, we will first uh, talk about geography questions then we'll move towards like uh agriculture questions and then we'll be moving towards environment questions okay so first is your geography portion so overall i've six questions up six questions so let this is the first question key uh i guess uh, it is a set c uh, that i have um, or maybe d that i have so uh, क्वेश्चंस का जो है नंबरिंग का कोई मैटर नहीं है अगेन क्वेश्चन देखने है अपने को जनरल सो so, पहला क्वेश्चन जो है अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट जेट स्ट्रीम्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर जो है ये सो असॉर्टेड सी आपको फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन से आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स है इसमें एज एन सच कुछ भी जो है मतलब uh, करंट वाला कुछ पोर्शन है नहीं तो हम लोग देख रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में बहुत आते हैं और जब भी हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के टॉपिक को करते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है बहुत डिटेल में बहुत डीप में करना है बिकॉज हर साल हम लोग इंडियन ओशनस में साइक्लोन्स देखते हैं ठीक है ना सो अगेन यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम जो है वो उत्तरी नादर हेमिसफेयर में आकर करते हैं तो ये गलत है ठीक है हम लोग देखते हैं कि चार हमारी जेट स्ट्रीम्स हैं और ये चारों जेट स्ट्रीम जो है दिस आर जेट स्ट्रीम्स और दो दोनों जो है दो आपकी नादर हेमिसफेयर में दो सदरन हेमिसफेयर में सो दिस इज रॉन्ग एंड देन न इज रॉन्ग तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको पता है ऑप्शन देखो हमें स्टार्ट मैंने अपनी एमसी की वाली वीडियो में भी बताया था कि आपको जो है जब भी आप ऐसे मल्टीपल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ठीक है जी सो so इसमें आपको क्या कर इसको मैंने तीन तिगाड़ा बोलता हूं मैं इन क्वेश्चन को तो इसमें आपको क्या करना है हमेशा से ऑप्शन एलिमिनेट करने स्टार्ट करो सबसे पहले ठीक है सो फर्स्ट जेट स्ट्रीम वाला गलत हो गया तो आपके ऑप्शन जो है दो एलिमिनेट हो गए जिसमें वन वन दिया हुआ है सो अगेन आपके पास बचते हैं ये दो ऑप्शन ठीक है अगेन सेकेंड क्वेश्चन आओ सम समाइक्लोन्स डिवेलपेंट ठीक है ओनली सम साइक्लोन्स इन आए कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट uh, आप कह सकते हो डाइसी है क्यों बिकॉज जल्दी जो भी हम लोग साइक्लोन्स देखते हैं उसमें हम लोग आई पढ़ते हैं ना तो जनरली हम लोग जो भी साइक्लोन्स की बात करते हैं उसमें हम देखते हैं कि आई डिवेलप हो रहा है तो ये लिख रहा है कि ओनली सम साइक्लोन्स इन आए सो ये ठीक बात हो रही है कि मेच्योर साइक्लोन बहुत ही कम साइक्लोन्स मेच्योर होते हैं और उनका आई डिवेलप होता है बट अगेन एक एवरेज uh, एस्पिरेंट के लिए जो है इसको थोड़ा सा कॉम्प्रीहड करना डिफिकल्ट एग्जाम एनवायरमेंट में तो इसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेम्परेचर इन एन आई ऑफ अ साइक्लोन इज टेन डिग्रीज लेस सो यहाँ पे लेस जो है ये आपका टिकट है इस क्वेश्चन को सही करने का लेस नहीं होता दस डिग्री लेस नहीं हो सकता है क्यों बिकॉज जो आई होता है वो लो प्रेशर सेंटर होता है और आसपास से हाई प्रेशर जो है हाई प्रेशर से हवाएं जो है इस लो प्रेशर को भरने की को कोशिश करते हैं और लो प्रेशर कब होता है जब टेम्परेचर जो है वो हाई होता है हमने कहा था ना ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं दे आर थर्मली इंड्यूस फिनमिनाज एक्सेसिव सन हीटिंग के कारण जो है क्या होता है लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होने से आसपास हाई प्रेशर से हवाएं जो है इसको भरने की कोशिश करते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा टेम्परेचर यहाँ पे एक्चुअली इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा बट टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा सो ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है इवन अपू 20 डिग्री इक्कीस डिग्री भी पहुंच जाता है टेम्परेचर डिफरेंस सो यहाँ पे जो टेम्परेचर वो एक्चुअली इंक्रीज होगा सो अगेन दिस टॉपिक दिस पॉइंट इज रॉन्ग सो थर्ड वाला आपका रॉन्ग हो जाता है आंसर इज टू ओनली सो अगेन सी आपका आंसर बन जाता है सो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क विद द क्वेश्चन है ना इस तरह से करने है आपको अगेन okay, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड एट अगेन देखो मेरी बात सुनो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हैं दे आर फेवरेट फॉर यूपीएससी मैप बेस्ड क्वेश्चंस मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं जरूर करने हैं मैप एटलस जो है आपके पास होनी चाहिए और एटलस की प्रिपरेशन आपको करनी ही करनी है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी हम लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं जो भी एरिया न्यूज में चलता है अभी हमने देखा कि जम्मू कश्मीर जो है उसे यूटी बना दिया था सो so, वो एरिया जो है और हम लोग देख रहे हैं ऊपर केमिश हो रही हैं सो so, वो एरिया जो है इट बिकम्स ऑल द मोर इंपॉर्टेंट मैप में कंटिन्यूसली बार बार देखो आप एंड देन यू यू हैव अ मसल मेमोरी की जो ये एरियाज कहाँ पे आपको मिलते हैं ठीक है तब होगा ये so, सो सियाचिन ग्लेशियर पूछा हुआ है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे आपको लोकेट uh, करता है ठीक है सो ये सियाचिन ग्लेशियर इज समवेयर हीयर अगर आपको सबको पता है अगर माई मेमरी बना रखा है सबको पता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो है यहाँ पे है आपका ठीक है देन थिंग्स आर इजी टू एलिमिनेट क्वेश्चन आर लाइक ईस्ट ऑफ एक्साई चीन एक्साई चीन यहाँ पे है ठीक है एक्साई चीन यहाँ पे तो ईस्ट में नहीं इसके वेस्ट में है तो ये तो गलत हो गया ठीक है ले देखो आप यहाँ पे है ले ईस्ट ईस्ट ऑफ ले सो ईस्ट ऑफ ले भी नहीं है ठीक है ये काइंड ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ ले है नॉर्थ ऑफ गिलजीत गिलजीत रीजन ये गिलजीत रीजन है सो नॉर्थ ऑफ गिलजीत नहीं है ये ईस्ट ऑफ गिलजीत है तो ये भी गलत है नुबरा वैली जो है दिस इज अ नुबरा वैली दिस इज नुब्रा वैली एंड नुब्रा वैली जो है क्लोजेस्ट आता है सियाचिन जो है इट इज नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली सो आंसर बनता है आपका डी ठीक है सो अगेन इस तरह के दे, क्वेश्चन देखो मैं मैं आंसर की नहीं दे रहा हूं आप लोगों को दिस इज नॉट व्हाट आई एम डूइंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी आंसर की डाल दी है ऑल आई एम इज़ दैट यू नीड टू कॉम्प्रीहेंड की किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एंड उस हिसाब से आपको जो है अपनी 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 प्रेपरेशन को रिवाइज करना है वो मैं आपको बात कर रहा हूं यहाँ पे ठीक है सो अगेन हेयर क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि आपको जो है मैप बेस्ड प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है अपनी मैप बेस्ड प्रेपरेशन को जो है रिफाइन करना है अपना जो जगह न्यूज में होती है जहां पे आप न्यूज पेपर में पढ़ रहे हो उन जगहों को आपको मैप में देखना है अगर आप मैप में नहीं देखोगे और आप अगर उसे कंटिन्यू एक बार भी देख दोगे तो काम खत्म हो जाएगा कंटिन्यूसली यू हैव टू सी मेमोरी बिल्ड करना है इसके ऊपर माइंड मैपिंग करनी है इसके ऊपर एंड तब जाके जो है आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ठीक है जी सो दैट इज व्हाट वी वांट टू डू देन इज काइंड ऑफ एग्रीकल्चर क्वेश्चन सो दिस इज एग्रीकल्चर कम हम क्वेश्चन जो ज्योग्रफी में मेन ज्योग्रफी में क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत तो दैट इज द क्वेश्चन इसे हम एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हैं इसे हम जियोग्रफी में डाल सकते हैं सो दीज आज लाइक बॉर्डर लाइक लाइन क्वेश्चन एन ऑल सो हियर इट देव गिवन अ कंडीशन फॉर द क्रॉप ये क्रॉप्स का कंडीशन है और इसमें ये कौन सी क्रॉप के बारे में बात हो रही है ठीक है अब देखो यहाँ पे जो है थिंग्स विच गिव अवे द नेम ऑफ द क्रॉप इज द रेनफॉल मैंने हमेशा जब भी ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो आई टेल यू आई टेल माई स्टूडेंट्स कि भाई रेनफॉल प्रेसिपिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी जगह में कोई क्रॉप होने के लिए ठीक है सो आप देखोगे जूट शुगर केन एंड टी दे आर वाटर गजलिंग क्रॉप्स दे गजल अ लॉट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा पानी चाहिए इनको एंड दे आर ऑल लाइक दे आर लाइक इक्वेटोरियल बेसिस की क्रॉप है आपका ट्रॉपिकल लेवल की क्रॉप है जहां पे पानी बहुत ज्यादा चाहिए एवरेज में अगर बात करू टू हंड्रेड सेंटीमीटर प्लस पानी चाहिए तीनों को ठीक है ओनली कॉटन इज द क्रॉप विच रिक्वायर्स ओनली लाइक फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑफ मॉडरेट रेनफॉल एंड सो अगर आप इस पे देखोगे तो ईजिली एलिमिनेट करके आंसर दे दोगे दिस इज कॉटन ठीक so, है, सो इजी क्वेश्चन है अभी अभी तक जो है है, 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 हम 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 लोग 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 कर रहे हम लोग देख रहे हैं, हैं, ठीक ठीक ये किसको करता देखो देख क्रूड के प्राइस देख रहे हैं कि कितने ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो सारा साल न्यूज में चलता है ऑयल सो ऑयल का जो है हम लोग दो स्टैंडर्ड होते हैं एक होता है वेस्टर्न टेक्सिस इंटरमीडिएट जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलने वाले ऑयल का जो है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होता है और दूसरा होता है ब्रेंट ब्रेंट जो है वो नॉर्थ सी में जो ऑयल निकलता है ठीक है वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका ये जो दो आपके स्टैंडर्ड्स हैं सेट हैं और इन्हीं स्टैंडर्ड्स में हम लोग देखते हैं कि जो क्रूड ऑयल है इसकी ग्रेडिंग की जाती है ठीक है सो अगेन आंसर इज क्रूड ऑयल सो इजी क्वेश्चन है जोग्राफी में बहुत स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ते हैं एंड आई डोंट थिंक सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन देन इज फॉलोइंग रिवर्स एंड उसके जो है ड्रेनेज ड्रेनेज जो है कहाँ पे हो रही है ये हमने बताना है कंपेरेटिवली मॉडरेट लेवल से डिफिकल्ट लेवल आपको दिखा सकते हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट ठीक है मॉडरेट टू टफ जो है इसका लेवल बोल सकते हैं हम लोग अगेन इसके लिए जो है वर्ल्ड फिजिकल जोग्राफी आपने काफी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए एंड मैं देख रहा हूँ मतलब पिछले दो तीन सालों से वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आ रहे एक एक क्वेश्चन यहाँ आया इसल भी एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही क्वेश्चन आया वैसे बट धीरे धीरे वर्ल्ड जोग्रफी के कम होने के कारण बच्चे जो है वर्ल्ड जोग्रफी को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं फिजिकल जोग्राफी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं वर्ल्ड की सो आ, बट एक क्वेश्चन जो है मैं पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था एड्रियाटिक सी वाला क्वेश्चन आ गया था एंड इस साल भी जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिवर और उसके जो है ड्रेनेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया सो क्वेश्चन इज कि ये जो है दे रखी है और आपको बतानी है सो अगेन हम लोग मल्टी इसको Uh, थोड़ा बहुत एलिमिनेट करने की कोशिश करता है बट एलिमिनेट करना मुश्किल है क्यों क्यों मुश्किल है बिकॉज इंटरनेशनल रिव्यूज़ की जानकारी होनी चाहिए ठीक है एटलीस्ट दो की जानकारी होनी चाहिए तभी आप कर सकते हो सो so, चलो जम्बेसी जो है ये इंडियन ओशन में गिरती है येस yes, ये जो है मोजाम्बिक चैनल मोजाम्बिक के पास में जाके गिरती है एंड इट इज़ गोइंग इन टू इंडियन ओशन ऊपर स्टार्ट करते हैं मेकॉन्ग जो है इट इज अंडमान सी ये गलत है मेकॉन्ग जो है इट्स एन इंटरनेशनल रिवर चाइना से निकलती है सारे इंडो चाइना में ड्रेन करती है और फिर साउथ चाइना सी में जाके गिरती है सो मेकॉन्ग जो है यहाँ पे नहीं है ये गलत हो गया आपका Then is Thames, is Irish sea. Thames, Irish sea में नहीं जाके गिरती है थे आपका नॉर्थ सी में जाके गिरती है आयरिश सी में नहीं जाके गिरती है तो उल्टा दे रखा है यहाँ पे तो वो भी गलत है आप थेम्स यहाँ पे देख सकते हो दिस इज रिवर थेम्स एंड दिस इज आयरिश सी यहाँ पे गिर रही है जाके ठीक है देन इज बॉलगा वोलगा रिवर जो है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ रशिया और ये जो है कैस्पियन सी में जाकर ड्रेन करती है तो दिस इज ऑल्सो सी सो यू कैन सी दिस इज वॉलगा रिवर एंड इवेंचुअली कैस्पियन सी में जाकर ड्रेन कर रही है एंड फाइनली जाम्बेजी जाम्बेज जैसे मैंने आपको बताया जाम्बेसी जो है इट पासिस थ्रू जाम्बिया रिवर जम्बिया से पास करती है और इंडियन ओशन में जाके मोजाम्बिक चैनल के थोड़ा नीचे जाके ड्रेन करती है ठीक है सो दिस इज द थिंग ये दोनों जो हैं दे आर राइट ये दोनों जो हैं दे आर रॉन्ग सो आंसर इज योर सी थ्री एंड फोर ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन नो डाउट बट अगर आपने वर्ल्ड जोग्रफी फिजिकल जियोग्राफी जो है पढ़ी है और हरेक कॉन्टिनेंट की थोड़ी बहुत रिवर्स के बारे में जाना हुआ है तो दीज आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड आई थिंक यू शुड नो अबाउट दम ठीक है देन इज योर ओशियन मीन टेम्परेचर विथ रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज करेक्ट सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ठीक है आई वुड कंसिडर इट इज वेरी वेरी डिफिक्ट एंड मोस्ट ऑफ यू मुझे पता है किसी ने अटैम्प्ट करा भी है तो बस तुक्का मारा यू डू नॉट नो दंसेप्ट इज वेरी वेरी डिफिकल्टू नो दिसर इन न्यूज टू इयर्स बैक ऑलमोस्ट टू ईर्स बैक जो है इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई थी कि जो सी सरफेस टेम्परेचर को हम लोग जो है मेजर करते हैं इंडियन ओशन में जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसको मेजर करके हम लोग जो प्रिडिक्शन करते हैं मानसून की वो कंपेरेटिवली इराटिक होती है एंड अगर हम लोग मेन

ठीक है जी और ये कहाँ पे मिलता है आपको ऑलमोस्ट फिफ्टी नाइन मीटर की डेप्थ में मिलता है ठीक है सो यहाँ पे जो है देखो इसने छब्बीस डिग्री तो थबीस डिग्री जो है वो एक सौ उनतीस मीटर दे रखा है बट अगेन इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सो आंसर फर्स्ट वन इज रॉन्ग सेकंड अगर हम इसको जनवरी मार्च में कलेक्ट करें तो इससे जो है हम लोग रेनफॉल को एक्सेस करने या रेनफॉल की जो है बता सकती कि है कितना एवरेज रेनफॉल या कितना एवरेज क्या मानसून रहेगा सो आंसर इज यस सो आंसर इज जस्ट टू ओनली टू ओनली इज योर आंसर ठीक है जी सो दिस इज दी अनदर क्वेश्चन अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे बड़ी बात है जोग्राफी में आपको दिल पे नहीं लेनी चीजें क्योंकि अगर आपको आती भी है जोग्राफी तो ऐसा नहीं है कि भाई छह क्वेश्चन आएंगे आ, या सात क्वेश्चन आएंगे उसमें अगर एक क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो जोग्राफी करने का फायदा क्या रहा है ऐसे नहीं सोचना है इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन यू हैव टू लीव दिस क्वेश्चन ठीक है सो so, आई जिन्होंने लीव किया मोर देन हैप्पी ठीक है मैं साथ साथ में जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन uh, दे रहा हूँ यहाँ पे आपके लिंक्स भी दे रहा हूं साथ में तो आप उसको जाके क्लिक कर सकते हो पी डी जाके जब आपको मिलेगी आप उसे क्लिक कर सकते हो और आप जो है इन लिंक्स को फॉलो कर सकते हो ओके देन हम लोग uh, बात करते हैं मिनरल्स के ऊपर मिनरल्स के ऊपर कोई इस तरह के एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता अगेन इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कि मिनरल्स पूछ लिए हैं वो भी इस तरह के मिनरल पूछे हैं कि ऑफिशियली इनमें से कौन से मेजर मिनरल्स हैं ठीक है मेजर मिनरल्स अब इन मेजर मिनरल जो है वो मिनरल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयड किए जाते हैं और उनका जो है इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है बट एज अ सच जो है इफ यू टॉक अबाउट ऑफिशियल डेजिग्नेशन कैसे रही तो हमें नहीं पता ऑफिशियल डेजिग्नेशन कैसे होती है ठीक है जनरली हम लोग बोलते हैं मेजर मिनल्स ये होते हैं बट ऑफिशियली वी डोंट नो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो ठीक है सो अगेन अगर आप थोड़ा बहुत जो है मिनरल uh, रिसोर्सेज इंडिया में पढ़ते हो तो यू विल अंडरस्टैंड दैट क्रोमाइट एंड कायनाइट जो है दे आर कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट मिनरल्स uh, जो आपको देखने में मिलते हैं सो so, uh, जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे भी जो है क्रोमाइट काइट का ही पता था uh, और मुझे ये पता था कि बेंटोनाइट जो है मैंने कभी सुना नहीं तो आई थिंक इट इज़ नॉट अ मेजर मिनरल एट ऑल ठीक है सो इन बेसिस में जो है मैंने अपना आंसर लगाया टू थ्री एंड फोर बट इसके ऊपर जो है एज एन सच इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको गैम्बल खेलना है तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन दो आई न्यू अबाउट टू थिंग्स सो इट वॉज ईजी फॉर मी बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू टू गिव अवे ठीक है इसका जो है uh, मेरे पास एक अपेंडिक्स uh, है अगेन ये जो है आपका दिस uh, इज की साइट पड़ा हुआ है सो so मैंने लिंक के साथ ही जो है इसकी पी डाल रखी है uh, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको तो मॉस्पी की साइट में जो है इन्होंने मेजर माइनर मिनरल्स के बारे में बता रखा है जिसमें बेंटोनाइट जो है माइनर में दे रखा है इन्होंने देन उसके बाद आपका जो अदर uh, अदर्स uh, जो भी हमने पूछे जैसे क्रायोन आपका Uh, हमने बात करी ठीक है ये सारे जो है आपके यहाँ पे मिल जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगेन यू कुड इजीली है छोड़ सकते हो उसको कि देखो क्रोमाइड भी है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है इफ यू want टू लीव यू कैन लीव also ठीक है बट इफ यू नो वन और टू थोड़ा मिनरल्स को थोड़ा डीप में पढ़ा है तो आप एक या दो को पता ही होगा आपको नी so, we'll चीज तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देन विल टॉक अबाउट दी एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे मजेदार क्वेश्चन थे एंड कई कई तो बहुत ज्यादा जो है फैक्चुअल uh, एंड uh, uh, आपका नॉट फैक्चुअल कंसेप्चुअल ज्यादा थे एंड कई कई ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे थे ठीक है जैसे की ये वाला क्वेश्चन था अगेन दिस ऑब्जर्वेबल या ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है जीरो टिलेज ठीक है जीरो टिलेज टिलेज क्या होती है मेस हमने जैसे जैसे हम हल जोतना कहते हैं ठीक है ना uh, खेत को जोतना जो है नॉट uh, हल जोतना बट खेत को जोतना जो है उसे हम लोग टिलेज uh, बोल देते हैं तो so बेसिकली इसमें हम या क्या करते हैं हम लोग जो है जमीन को खोदते हैं या उसके अंदर से जो पुराने स्ट्रॉज है उनको निकालते हैं सो दैट वी कैन मेक अ पर्टिकुलर लैंड रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑफ द क्रॉप नई क्रॉप लगाने के लिए हम लैंड को रेडी करना उसे टिलेज कह है देते हैं सो so अगेन यहाँ पे जीरो टिलेज दैट मीनस हम लोग यहाँ पे कोई टिलिंग नहीं कर रहे हैं कोई जो है पुराना जो स्ट्रॉ है या जो भी लेफ्ट ओवर है उसको हम लोग नहीं निकाल रहे हैं हम सीधा जो है डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं ठीक है ये काम है तो अगर हम लोग जीरो टिलेज करते हैं तो सोइंग ऑफ बीट जो है पॉसिबल है विदाउट बर्निंग दी रेस्ट आंसर इज येस ठीक है जी इसमें आपको नहीं करने की जरूरत है अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जो वो टिलेज है विद टाइम क्या होगा जो आपका पीछे लेफ्ट ओवर हैं वो विद टाइम जमीन के नीचे जाएंगे एंड दैट विल इवेंचुअली स्टोर एज गेट स्टोर्ड एज कार्बन सो अगेन कार्बन सिक्वेस्टरेशन में भी हेल्प करेंगे सो so, थर्ड वाला भी सही है आपका ठीक है सो अगेन वन एंड थ्री इज राइट तो आपका ऑप्शन बन जाता है ऑटोमेटिकली डी वन टू एंड थ्री मैटर फैक्ट टू भी सही है कि अगर आप जो है सॉइल वेट है तो आप डायरेक्टली पेडिड सीड्स को इम्प्लांट कर सकते हो दैट इज पार्ट ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर सो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चलता रहता है जीरो टिलेज और हम लोग इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में जब बात करते हैं तो हम लोग जीरो टिलेज के बारे में बात करते हैं uh, जीरो बेस्ड फार्मिंग या जीरो बजट फार्मिंग भी हम लोग जीरो टिलेज की बात करते हैं सो so, ये जो चीज़ है अगेन न्यूज़ में थी काफ़ी Uh, पिछले पूरे साल न्यूज में चली एंड दैट्स मा दिस क्वेश्चन वाज देयर सो कंपैरेटिवली जो आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको देखने को, देखने को मिला नाउ अगेन दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया सो अगेन इसको आप जोग्रफी में डाल सकते हो इसको आप एग्रीकल्चर में भी डाल सकते हो नाउ हेयर क्वेश्चन इज ना इजी क्वेश्चन है इट इज वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू लाइक थोड़ा ध्यान से इसको अगर आप आपका उसको पढ़ोगे अपना स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे तो देन इट इज एन इजी क्वेश्चन एंड लॉजिक मैंने कहा ना कि पेपर वाज ऑल अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग आप डिडक्टिव रीजनिंग या लॉजिक आप किस तरह से लगा सकते हो इसके बेसिस पे क्वेश्चन था नाउ अगेन चेक दिस क्वेश्चन आउट इस क्वेश्चन में जो क्या लिखा हुआ है पहला ब्लैक ग्राम इज कल्टिवेटेड इन बोथ एंड सीजन लेट अस अज्यूम ये आपको नहीं पता मतलब इट इज डिफिकल्ट टू नो है ना चलो देन सेकंड इज सेकंड थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं इन लास्ट थ्री डेकेड प्रोडक्शन ऑफ खारीफ हैज इंक्रीज व्हाइल प्रोडक्शन ऑफ राबी डिक्रीज्ड सो so, अगर किसी ने थोड़ा सा भी एग्रीकल्चर पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा कि पल्स जो हैं वो दोनों ही सीजन दोनों ही सेशन में या दोनों ही सीजन में वो क्या कर रही करिए इंक्रीज कर रही है बट यहाँ पे जब लास्ट थ्री डेकेड लगा दिया कि लास्ट तीन डेकेड्स में ये इंक्रीज कर रही है तो स्लाइटली डाइसी है ठीक है ना चलो इसको भी हम लोग जो है सो एंड सो पर डालते हैं सेकेंड क्वेश्चन देखो ये जो है गिव अवे ऑप्शन है आपका मतलब ये जो है आपका राज खोल देता है अब इसमें लिखा हुआ है ग्रीन ग्राम वो जो है हाफ ऑफ पल्स प्रोडक्शन जो हमारे इंडिया में पल्स प्रोडक्शन इसका हाफ ग्रीन ग्राम करता है अब ग्रीन ग्राम इज जस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ ग्राम्स जिसके अंदर ग्रीन ग्राम आता है राइट right? इस तरह ग्रीन ग्राम है देन उसके बाद आपका आ, आ, आपका ब्लैक ग्राम आते हैं वाइट ग्राम आता है रेड ग्राम आता है ठीक है जी सो देर आर एन नंबर ऑफ ग्राम्स ठीक है अलग अलग जो दालें हैं एन नंबर ऑफ ग्राम्स आती हैं एंड सिर्फ ग्रीन ग्राम उनमें से सिर्फ एक है है ना एक चीज है सिर्फ वो एंड ये पूछ रहे कि ये ग्राम जो है ये अलोन ऑलमोस्ट ये जो लोन है ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट से ज्यादा जो है पल्स प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है सो अगेन दैट इज यहाँ पे जो है लॉजिक फेल हो जाता है क्यों बिकॉज ग्राम्स ओवरऑल जो है वो फोर्टी परसेंट के आसपास में टोटल प्रोडक्शन में आती हैं सो so, किसी भी तरह से ये ऑप्शन जो है सही नहीं हो सकता अगर हाँ सिंगल सिर्फ ग्राम बोला होता तब भी जो है डिफिक इट हैव बीन डिफिकल्ट बिकॉज और भी हैं जैसे तूर है अरहर है और बहुत सारी जो है आपकी पल्सिस हैं जो कि बहुत बड़ा शेयर रखती हैं प्रोडक्शन का पल्सिस का सो ग्रीन ग्राम जो है अगर यहाँ पे कल्ला ग्राम होता तो मैं सोचता बट ग्रीन ग्राम यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो जरूर, जरूर जरूर गलत है तो अगर ये ऑप्शन गलत है तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन गलत होने के साथ आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है इट इज वन ओनली ठीक है सो कहीं ना कहीं जो है डिडक्टिव रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग लगाने का का जरूरत है यहाँ पे तो देखो कितना ये साइंटिफिकली बना हुआ पेपर है कि इतने एग्जाम प्रेशर में एग्जाम प्रेशर एग्जाम प्रेशर कंडीशन लाइक कंडीशन में आपको इस तरह से सोचना है

आंसर uh, का ये क्वेश्चन का रीजन क्या होना चाहिए ठीक है ओवरऑल हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पल्सेस के और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं पल्सेस के चलो सो देन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया की केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है ये भी क्वेश्चन जो है इट इज कंपैरेटिवली इजी देखो पहला आपको ऑप्शन दे रखा है कि रिटेल प्राइस ऑफ जो फर्टिलाइजर्स है वो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर नहीं करती ऐसा हो ही नहीं सकता गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है यूरिया के प्राइसेस को सो so अगेन यूरिया को कम्प्लीटली एडमिनिस्टर किया जाता है एंड इस करके पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया सो so, पहले ऑप्शन रॉन्ग होने के साथ आपके सर दो ही ऑप्शन बचे ठीक है देन अमोनिया जो है वो नेचुरल गैस से बनाई जाती है बिल्कुल सही है नेचुरल गैस जो है इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आपका जो फर्टिलाइज़र है जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेकिंग नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर और नेचुरल गैस जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सो सेकेंड ऑप्शन इज राइट सो आप थर्ड ऑप्शन देखो सल्फर जो है वो रॉ मटेरियल है फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर का एंड इज बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइन दिस इज ऑल्सो कम्पलीटली राइट सो आम का आंसर बचता है टू एंड थ्री ठीक है सो कंपेरेटिवली मॉडर्ट लेवल का क्वेश्चन है जिसकी थोड़ी अच्छी तैयारी है उसको पता होगा इसके बारे में ठीक है देन आते हैं दिस क्वेश्चन अगेन दिस इज क्वेश्चन ऑन शुगर केन शुगर केन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप आपने खेतों में जाके देखा है शुगर केन कल्टिवेशन कैसे होता है तब तो आपको पता है वरना मोस्ट ऑफ लोगों ने क्या किया पास किया इस क्वेश्चन को एंड आई कैन अंडरस्टैंड देख दे नीड टू पास और दे नीड टू लेट गो दिस क्वेश्चन क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट ठीक है अब इसमें जो है ये क्या करते हैं बात ये किसके ऊपर है शुगर केन के ऊपर भी जो देर नॉट आस्किंग कंडीशन एंड ऑल दैट थिंग दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट दी बड्स ठीक है जो बेसिकली यहाँ पे जो बड सेट्स होते हैं जिससे हम लोग प्रोपोगेशन करके या बडिंग करके क्रॉप्स को उगाते हैं कई कई बारी तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने बड्स होते क्या है बेसिकली गन्ने के छोटे छोटे ऐसे पीस होते हैं इन पीसीस को हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं निकालते हैं एंड इवेंचुअली इनको जो है बाद में सो करते हैं इससे जो है क्रॉप्स उगाते हैं तो इस इज कॉल्ड बर्ड्स तो बड चिप्स जो है हम लोग बोलते हैं बड चिप्स से आपका सेटलिंग्स बोलते हैं इनको एंड

फ फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आपके पास बचे ही दो ऑप्शन बचे हैं वन एंड टू एंड वन एंड फोर सेकेंड जो है डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सेट्स इज डन एंड जर्मिनेशन जो है वो कम्पेरेटिवली बेटर होती है कम्पेरेटिवली जो है बेटर होती है विद सिंगल सेट्स अगर एक ही सेट लगा रहे हो कंपेयर टू द मल्टीपल बर्ड सेट्स अगर आपने रखे हैं एक जगह में तो ऐसा कुछ नहीं है दोनों में जो है कम्पेरेटिवली सेम तरह की प्रोडक्शन आपको देखने में मिलती है इवन वेदर कंडीशन अगर अलग अलग हों तो भी जो है आपको सेम तरह की ही आपको प्लांटेशन या सेम तरह की आपको क्या देखने मिलती है बेसिकली uh, सेम uh, uh, तरह की ही सर्वाइवल रेट या सेम तरह की प्रोडक्शन देखने में मिलती है सो so, ये दोनों ही ऑप्शन जो है टू एंड थ्री ऑप्शन दे आर रॉन्ग एंड देन टिश्यू कल्चर से जो है शुगर के बर्ड्स को गाया जाता है सो दैट इज ऑल्सो राइट सो आंसर इज वन एंड फोर बेसिकली कंपेरेटिवली डफ क्वेश्चन है अगर तो आपके फैमिली में शुगर केन उगाई जाती है कभी आपने शुगर केन के ग्रोइंग प्रोसेस को देखा है तो, तो जो है आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा वन आई टिपिकल जो है एग्रीकल्चर जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए क्वेश्चन था ठीक है देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इन कंटेक्ट ऑफ इंडिया अगेन विच ऑफ दे फॉलोइंग एज अ प्रैक्टिस फॉर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर में इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है क्रॉप डाइवर्सफिकेशन यू ऑलरेडी नो होता है लेग्यूमिन इंटेंसिफिकेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मीन क्रॉप को डाइवर्सिफाई करो अलग अलग तरह की क्रॉप्स लगाओ एग्रो क्लाइमेटिकली क्रॉप्स लगाओ सिर्फ एक या दो क्रॉप्स के ऊपर लाइन ना करो सो दैट इज राइट इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है लेग्युमिन इंटेंसिफिकेशन लेग्यूमिन क्या करती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है तो दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट देन टेंसियोमीटर यूज टेंसियोमीटर आई होप कईयों ने नहीं सुना है और इट इज वेरी वेरी ओके टू नॉट हेयर दिस वर्ड टेंसियोमीटर क्या है तो इसे भूल जाओ वर्टिकल फार्मिंग तो आई होप आपने सुना सुनाओ वर्टिकल फार्मिंग इज की एक जैसे रैक्स के ऊपर जो है हम लोग क्या करते हैं क्रॉप्स उगाते हैं और उनको फार्म करते हैं इससे जो है लैंड यूज जो है कम होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है सो अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर सो वन टू एंड फोर तो है इज इजी एंड ऑप्शन जो है इजिली वन टू थ्री एंड फोर निकल के आता है सो बेसिकली वट इज टेंसी टेंस्योमीटर जो है एक इस तरह का उपकरण होता है जो आप देख रहे हो एंड इससे हम लोग क्या करते हैं हम बेसिकली जो सरफेस में जो आपका सॉइल है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट देखते हैं कितना मॉइस्चर कंटेंट है कम है कि ज्यादा है आ, इसको हम लोग देखते हैं सो दैट्स इट्स कॉल्ड दैट वाईजीटर बेसिकली ये मॉइस्चर की टेंशन देखता है इन दी दी इन ठीक है एंड वर्टिकल फार्मिंग यू कैन सी दिस इज इस तरह से रैक लाइक फार्मिंग होती है एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फार्मिंग एन इट इज टेकिंग रूट्स इन इंडिया सो दैट्स वाई इट वॉज देयर एंड कंपेरेटिवली क्वेश्चन टू हैंडल ठीक है then is not so easy question to handle is the steel slag uh, again difficult question tha was zara difficult question tha so, steel slag jo hai in mein se kis cheez ke liye use kiya ja sakta hai steel slag jo hai jo jab steel banate hain to niche jo aapka waste waste वेस्ट बचता है इसको हम लोग स्टील स्लैग बोलते हैं so again इसको हम लोग किस चीज़ के लिए use कर सकते हैं construction of roads बेस रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर सॉइल की इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर सकते हैं सीमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं सो so, uh, इसका आंसर जो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव एंड आप सोच भी सकते हैं से निकाला होगा उन्होंने अभी रिसेंटली जो कहा दो हजार सतारह में हम लोगों ने नेशनल स्टील पॉलिसी निकाली थी नेशनल स्टील पॉलिसी निकाली गई थी दो में उस नेशनल स्टील पॉलिसी में स्टील स्लग स्लैग के बारे में बात करी थी कि इसका जो है अलग अलग उपयोगों को हम लोग प्रोत्साहन देंगे और इन उपयोगों में तीनों चीजों के बारे में बात कर रखी थी सो so, इसमें जो है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए रेल बैलेस्ट के लिए लैंड माइन फिलिंग के लिए पे ब्लॉक्स के लिए ब्रिक्स के लिए सीमेंट बनाने के लिए एग्रीकल्चर के लिए हर चीज के लिए हम लोग जो है स्टील स्लैग को यूज करने की बात कर रहे हैं so, ये बेसिकली फिक्की का डॉक्यूमेंट है मैंने इसमें लिंक भी दे रखा है आप इसको जाके पढ़ सकते हो सो आंसर इज बेसिकली वन टू एंड थ्री

इसमें हम लोग क्या करते थे अः uh, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते थे लकड़ियाँ वुड या कोल जो है उसको हम लोग क्या करते थे इस तरह बड़े बड़े पिट्स में जो है कवर्ड पिट्स में बर्न करते थे जलाते थे और जो बचा जो राख बच जाती राख नहीं होती थी मतलब इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाते थे एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन जलाने से क्या होता है अगेन ये जो है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस निकल जाते हैं दिस आप्षिन्स आप्षिन्स प्रोसेस को हम पायरोलाइसिस कहते हैं है ना वॉलेटाइल uh, सब्सटेंस निकल जाते हैं और हाईली ऑर्गेनिक जो बेसिकली uh, सब्सटेंस होता है जिसे हम बायोचार बोलते हैं इसको हम लोग फर्दर देन यूज करते हैं सॉइल के अंदर डालने के लिए तो ये सॉइल के लिए एज अ फर्टिलाइजर का, का काम भी करती है नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम भी करती है देन ये सॉइल की आपका न्यूट्रिशन रिटेंशन का भी काम करती है एंड अगेन विद टाइम मॉइस्चर को भी होल्ड करने का काम करते तो ये बहुत सारे काम है पुराने टाइम में मेक्सिकन इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और आज मॉडर्न टाइम से हम लोग इसे एज अ बायोचार यूज कर रहे हैं इन एग्रीकल्चर सो अगेन वर्टिकल फार्मिंग में हम लोग इसे यूज कर सकते हैं ग्रोथ मीडियम के लिए बिल्कुल सही है देन नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है बिल्कुल सही है एंड देन वाटर को रिटेन करके रखता है वाटर मॉइस्चर होल्ड कर सकता है ये भी बिल्कुल सही है तो कंपेरेटिवलीजी क्वेश्चन था वन टू एंट थ्री जो है इसका आंसर है ठीक है आप ये जो यहाँ पे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मैंने दे रखा है आप इसको जाके पढ़ सकते हो रिगार्डिंग बायोचार एंड इसके ऊपर जो है सारे यूजेस के बारे में बताया हुआ है कार्बन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ बायोचार ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन Then moving towards another question, this was about advantages of fertigation. A uh, fertigation, you, know, you have already uh, read about micro irrigation. माइक्रो इरिगेशन के बारे में आपने पढ़ा पढ़ाओ माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस के बारे में सुना होगा थोड़ा बहुत हम लोग एग्रीकल्चर जोग्रफी में पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो इरिगेशन प्रैक्टिस आजकल जो बन गई है दैट इज ड्रिप इरीगेशन ठीक है ड्रिप सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन जो है इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इरीगेशन विच इज बिंग डिवेलप्ड एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो uh, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आप क्या कर सकते हो इन पाइप्स के थ्रू हम यहाँ पे क्या लगाते हैं पाइप्स लगाते हैं ऑन पाइप्स के थ्रू जो है डायरेक्टली रूट में हम लोग जो है एडमिनिस्टर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को तो इसी तरह हम लोग जो है फर्टिलाइजर्स भी मिक्स करके इसी पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली रूट में प्लांट्स के पहुंचा सकते हैं इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिगेशन फर्टिलाइजर्स की डिलीवरी थ्रू सब सरफेस ड्रिप इरीगेशन ठीक है ना इससे जो है हम लोग बहुत सारे फायदे ले सकते हैं ब दैट इज़ कि बेसिकली केमिकल न्यूट्रिएंट जो है लीच नहीं करेंगे अगर हम एक्सेसिव स्प्रे करेंगे तो लीच हो जाएगा बट इसमें जो है लीचिंग नहीं होती है न्यूट्रिएंट ज्यादा अवेलेबल होते हैं तो ये भी सही है ये भी सही है ठीक है थ्री एंड फोर इज कंप्लीटली राइट सो ऑप्शन आपके दो बच जाते हैं ये वाले देन एल्कलिनिटी इरीगेशन के एल्क्ट जो आपका सॉरी uh, वाटर है उसकी एल्कलिनिटी को भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं आंसर इज यस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये जो है पीएच को इंक्रीज या पीएच को डिक्रीज या सेलिनिटी को इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं सो दैट इज आल्सो सही सो आपका आंसर जो है देन कम्स आउट टू बी वन थ्री एंड फोर ठीक है वन थ्री एंड फोर निकल के आता है आपका आंसर एंड सेकंड वाला जो है चलो यहाँ से एलिमिनेशन से ही निकल जाता है अगर सेकेंड वाले का आपको नहीं पता तो एलिमिनेशन से एलिमिनेशन uh, से निकल जाता है बट रॉक फॉस्फेट जो है इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर वाटर के साथ सोल्यूबल नहीं होता ये क्या कहता है ग्लूट कर जाता है बाइंड कर जाता है यानी पाइप जो है चोक हो जाती है सो दैट्स वे हम लोग रॉक फॉस्फेट को हम लोग uh, इसके इस इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग यूज़ नहीं कर सकते सो दैट इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन ठीक है सो आंसर इज वन थ्री एंड

ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो है न्यूज में चल रहा था बिकॉज यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कैप्टिव ब्रीडिंग का भी प्रोग्राम चला रहे हैं ठीक है सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है अगेन वन ऑफ द नेचुरल नेचुरलिटेट सो ये तो ऑब्वियसली सही आंसर हो गया सो थ्री इज देयर सो ऑप्शन आपके पास यही बचते हैं देन सेकंड इज देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क आंसर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन होत है तभी तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को खतरा है ठीक है ह्यूमन हैबिटेशन करके जो है मतलब इनका सबसे बड़ा इशू यह है कि जो ग्रास लैंड हैं ये एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए कन्वर्ट किए जा रहे हैं प्लस जो ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ जो फेरल डॉग्स आते हैं वो जो है ग्रेड इंडिया बस्टेड काफी शिकार करते हैं सो ये ऑप्शन रॉन्ग है तो सेकेंड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया आंसर आपके पास बचता है वन एंड थ्री तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि किस स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट तो भी चल जाएगा आपका आंसर आप एलिमिनेशन से इसको निकाल सकते हो बट अगेन uh, इट इज स्प्रेड ओवर टू डिस्ट्रिक्ट आपका बारमेर और जैसमल जैसलमेर जो है ये दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में बना हुआ है लार्जेस्ट जो है आपका पार्क है आपका राजस्थान का ठीक है so मैंने इसके लिंक दे रखा है आप जाके इसको पढ़ सकते हो एंड ऑल ऑफ दिस रिटर्न दे रहा हूँ ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी और उनकी रिपोर्ट के बारे में है सो so अगेन रिपोर्ट बोल रही है की छत्तीस प्रतिशत हमारे देश के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि और ज्यादा ओवर एक्सप्लाटेड हैं ग्राउंड जो वाटर है ज्यादा एक्सप्लाटेड है एंड क्रिटिकल लेवल पे पहुंचा हुआ है इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है दो हज़ार उन्नीस में रिपोर्ट आई थी बट याद करना बहुत डिफिकल्ट है कि इतने परसेंटेज हैं कितने नहीं हैं वेरी वेरी डिफिकल्ट सो तो इसको नहीं कर सकते बाकियों में खेल सकते हैं अगर खेल सको तो सो ये जो है इट इज़ फॉर्म इन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आंसर इज बिल्कुल सही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उनको स्टैचूचरी हम लोगों ने स्टेचुचरी uh, um, जो है या uh, बैकिंग yeah, दी है उससे एंड इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन जो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर के नाम पे हम लोग लार्जेस्ट पानी सबसे ज्यादा पानी जो है खींच रहे हैं ग्राउंड वाटर इरीगेशन कर रहे हैं तो दिस इज ट्रू ऑल्सो जो आपका uh, आपका इवन लोकसभा में जो है इस इस रिपोर्ट को रखा गया था वर्ल्ड वाटर डे में जो है इस रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हुई थी सो so ये काफ़ी ज्यादा न्यूज में चल रहा था सो अगेन थर्ड वन इज राइट सेकेंड वन इज राइट सो आपका आंसर जो है टू एंड थ्री बन जाता है सो दैट इज़ हाउ यू कैन डू इट डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब मिड कौ आपका जहाँ पे फैक्ट आ जाता है वहाँ पे इट बिकम्स स्लाइटली ट्रिकी मॉडरेट टू डिफिकल्ट बन जाता है ठीक है, so, ये मैंने इसके ऊपर जो है आ, लिखा हुआ है stored in Parliament. Parliament, Parliament में जो जो है है ये ये को को रखा गया था वहां से चीज आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन को देन इस टाइगर रिजर्व्स में विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या चीज होती है देखो टाइगर जो है उनकी टेरिटरी जो है एक उसको हम लोग टू स्ट्रैट uh, या टू स्टेप स्ट्रेटजीज में हम लोग उसे लेते हैं एक होता है आपका कोर एरिया एक होता है आपका बफर एरिया सो कोर बफर स्ट्रैटेजी होती है बफर में जो है सब कुछ अलाउड होता है बट कोर एरिया में जो है कोई भी तरह की ऑबस्ट्रक्शन uh, है कोई भी तरह की जो है आप कह सकते हो इंटरवेंशन uh, है कोई भी तरह का इस तरह का uh, आप uh, मतलब कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है कोर एरिया कम्प्लीटली क्रिटिकल हैबिटेट होता है टाइगर्स के लिए और यहाँ पे आपको टाइगर्स की मैक्सिमम पॉपुलेशन मिलती है सो दिस क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के हिसाब से कोर एरिया जो है सबसे बड़ा होना चाहिए सो so, जनरली जो यहाँ पे वो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व का लार्जेस्ट एरिया जो है वो कोर एरिया के अंडर आता होगा सो so, ऑप्शन uh, जो इसका आंसर है इट इज नागार्जुन सागर श्री सैलम दिस इज लार्जेस्ट टाइगर हैबिटेट इन इंडिया आल्सो एंड इसका कोर का एरिया जो है जो कोर इसका एरिया है दैट इज आल्सो द लार्जेस्ट इन द इंडिया सो अगेन दैट इज व्हाई आंसर शुड बी नागार्जुन सागर श्री ठीक है देन इज मूविंग अहेड शेड्यूल सिक्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने छह शेड्यूल रखे हैं जिसमें हमने जानवर फ्लोरा एंड फोना को जो है अलग अलग लेवल की प्रोटेक्शन दे रखी है शेड्यूल सिक्स में हम लोगों ने बहुत इजी क्वेश्चन था हम लोग इवायरमेंट में पढ़ते है पढ़ते है इस एक्ट को शेड्यूल सिक्स में जो है हम लोगों ने उन प्लांट्स को रखा है जिसको किसी भी सकमस्टांसिस में हम लोग कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं सो आंसर वॉज दिस एंड इट वॉज अ इजी आंसर ठीक है इजी क्वेश्चन टू गिव देन इज कम्पेरेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड ऑल्सो डाइसी काफी सारे जो है अलग अलग इसके आंसर्स चल रहे हैं आंसर कीज में सो so, इसमें की जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है जो दो हजार अठारह में आई थी इसके मुताबिक जो है किस किस चीजों को रॉ मटेरियल्स की तरह यूज किया जा सकता है बायोफ्यूल बायोफ्यूल बनाने के लिए ठीक है so, सो ये जो है बायोफ्यूल के कंपोनेंट्स का जो है चार्ट यहाँ पे मैंने दे रखा है सो यू कैन सी कैसावा कैन बी यूज्ड डैमेज ग्रेन कैन बी यूज रॉटन पटेटोज कैन भी यूज शुगर बीट कैन भी यूज बेसिकली आपका हाई स्टार्च मटीरियल हाई शुगर मटीरियल एंड आपका जो है शुगर केन हो गया या डैमेज फूड ग्रेन आपको यूज कर सकते हो तो ये आप यूज़ कर सकते हो बट कहीं ना कहीं भी आपको हॉर्स क्राम दिस इज पल्स पल्सिस हैं तो पल्सिस को हम लोग जो है यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे एज एन सच नहीं लिखा हुआ है पल्सिस को यूज कर सकते हैं एंड सेकेंड इज एडिबल ऑयल ग्राउंड नट ऑइल इज एडिबल ऑयल और इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिकली रिटन इन इन पॉलिसी इटसेल्फ सो आंसर आपका बनता है 1 2 5 एंड 6 ठीक वन टू एन अभी जो है 1 2 5 एंड 6 एंड 1 2 3 4 5 6 के बीच में डिबेट चल रहा है बट आंसर आई थिंक इज 1 2 5 एंड 6 ठीक है इफ़ यू इफ यू डोंट थिंक दिस इज द आंसर यू कैन कमेंट एंड यू कैन गिव द रेलिवेंट बेसिकली अगर आपके पास कोई रेलिवेंट मटेरियल है उसके लिए तो आप वो भी दे सकते हो देन मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन वॉज इजी क्वेश्चन सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन वट डू अंडरस्टैंड व सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इट इज बेसिकली द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म डैमेज जो हम लोगों को कार्बन इमिशन से जो हम कार्बन इमिशन कर रहे हैं उसके कारण जो है होने वाली है ठीक है लॉन्ग टर्म डैमेज जो हम कर रहे हैं कार्बन इमिशन कारण इजी क्वेश्चन था काफी एंड आई होप दैट वॉज इजी टू डू ठीक है देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू बड़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था ये इंडियन एलिफेंट्स के ऊपर सो so अगर हमने वो केरला वाला जो है केस देखा था जो एलिफेंट वो आपका फीमेल एलिफेंट है शी uh, वॉज वो क्रैकर भर के जो है उनको उसको कोकोनट दिया था एगे सो so उसके कारण उसकी डेथ हो गई थी सो आई डोंट नो दैट इंस्पायर दिस क्वेश्चन और वॉट बट अगेन दिस क्वेश्चन वॉज हियर एलिफेंट्स के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था एंड uh, जिन्होंने थोड़ा डीप में नहीं पढ़ा तो यूरस्टैंडी फोर्थ आप ऑप्शन पढ़ोगे स्टेट दरला हैज दार्जेस्ट हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट सो अगेन जिन्होंने थोड़ा सा डीप में नहीं पढ़ा एलिफेंट सेंसेस को या फिर जो है एलिफेंट्स uh, के रिगार्डिंग जो आपका uh, हम लोग जो एलिफेंट रिगार्डिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाते हैं सो so, देन केरला ये वाला जो है दिस इज रॉन्ग है ना उनको लग रहा होगा राइट है बट दिस इज रॉन्ग कर्नाटका जो है एक्चुअल में हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट सो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाता है एंड अब आपके पास ऑप्शन होता है थ्री ओनली एंड वन एंड टू ओनली ठीक है जी थ्री ओनली या वन एंड टू ओनली एंड देन लीडर ऑफ दी एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल हमने बचपन में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं फीमेल जो एलिफेंट से लीड करती हैं और मैंने बहुत सारे जोग्राफिक चैनल्स में देखा हुआ है सफारीज़ में जो है एलिफेंट जनरली फीमेल एलिफेंट जो है सीनियर फीमेल एलिफेंट जो होती हैं वो ग्रुप की हेड होती हैं एंड वो जो है लीड करती हैं सो अगेन आंसर वन इज करेक्ट सो आंसर आपका बचता है वन एंड टू ओनली ठीक है सो एलिमिनेशन से ये जो है निकल रहा था बट अगेन ट्रिकी क्वेश्चन था एंड दिस इज बेसिकली द डॉक्यूमेंट फॉर इट आप पढ़ सकते हो उसको जाके अगेन कर्नाटका हैज दाइस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स फॉलोड बाय एंड देन बाय केरला सो फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाता है आपका एंड उसके बाद इट इज इजी टू एलिमिनेट ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट टू वेरी इजी क्वेश्चन आर देयर कावेरी बेसिन में जो है इनमें से कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज लगते हैं नगरकोल सत्यमंगलम एंड वेन्नाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पापकोंडा ठीक है जी uh, ये सेंचुरीज लग रही हैं तो अगेन इसमें जो ब्लैक होल है दिस इज कोंडा नेशनल पार्क एंड पापी कोंडा जो है एक्चुअली में आंध्र प्रदेश में है गोदावरी के बीच में वेस्ट गोदावरी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सो so ये जो है ये गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में गोदावरी बेसिन में पड़ता है तो ये जो है एलिमिनेट हो गया देन अगर हम टू को एलिमिनेट कर दें सो ऑप्शन इज थ्री एंड फोर एंड टू वन थ्री एंड फोर एंड नगर होल जो है इट इज लाइंग इन दी कब्बानी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी ट्रिब्यूटरी है जो काबेरी की ट्रिब्यूटरी है सो दिस इज पापीकोंडा कोंडा एंड दिस इज योर नगर होल सो कबानी रिवर जो है इसे यहाँ से पास करती है नगर होल से एंड दैट इज वाई वन इज करेक्ट सो आंसर इज योर वन थ्री एंड फोर एक कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन आया था सिलिन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट एंड ग्रे च मिनीट व्हाइट थ्रोट रेड स्टार्ट क्या चीज होती है बारबेट पड़ोगे तो बारबेट इज ऑलवेज यूज फॉर बर्ड आंसर इज बर्ड ठीक है क्यों आया क्वेश्चन क्योंकि सिलेन फ्रॉग माउथ जो है ये uh, uh, बर्ड मतलब uh, जो थी न्यूज में चल रही थी सो लास्ट ईयर न्यूज में थी पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज देयर एंड ये क्वेश्चन देख के जो है एक्सप्रिय की शक्ल भी ऐसी हो रखी थी कि ये क्या क्वेश्चन आया है <laughs> ना सो दैट वॉज ऑल्सो देर सो लेट इस मूव अहेड फटाफट सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा वरना सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दोटेक्टेड एरिया uh, जो है वो इंडियन स्वाम्प डियर की जो है एक सब स्पीशी को uh, वहां पे थ्राइव कर रही है जो कि एक्सट्रीमली हार्ड ग्राउंड में जो है रहने की आदि है और ग्रामनी वोरस है ग्रामनी वोरस मीन्स घास खाती है ठीक है ना अभी यहाँ पे जो है इट्स अ डाइसी क्वेश्चन नो डाउट इट्स अ डाइसी क्वेश्चन देखो कैसे बारह सिंगा जो है वो स्वाम्प डियर है स्वाम्प मीन्स वो स्वाम्प से मिलता है जनरली तो वहाँ पे आपको जो है पे एरियाज होते हैं या वाटर सेचुरेटेड मिलता है बट इसकी एक सब स्पीशी है in, uh, regions, में। और ये रिसेंटली न्यूज में चल रहा था अप्रैल या मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी में न्यूज में था कि जो है इनको सक्सेसफुली रीलोकेट किया है हमने मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में ठीक है सो आंसर वाज कान्हा नेशनल पार्क जिन्होंने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़े हुए होंगे तो उनको आइडिया होगा हार्ड ग्राउंड स्पीशी बारासिंघा की कॉल्ड एज रुसिवस डुबासेली ठीक है जी एंड दिस वाज रिलोकेटेड सक्सेसफुली इन कान्हा नेशनल पार्क तो इजी क्वेश्चन था अगर ये नहीं आता तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ सबको देन आंसर लगता मानस बिकॉज़ मानस हैज दैट काइंड ऑफ कंडीशंस फॉर स्वम डियर है ना तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था मतलब इजी क्वेश्चन था अगर आपने न्यूज करंट अफेयर पढ़े देन एक और इजी क्वेश्चन था बेस्ड ऑन करंट अफेयर एज वेल एज कंसेप्चुअल नॉलेज तो यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन uh, था कि आपका मस्क डियर अब मस्क डियर जब हम लोग इन्वामेंट uh, में uh, हम लोग जो है बेसिकली uh, uh, आपका फ्लोर एंड फोना स्पीशीज पढ़ते हैं इंडिया में तो मस्क डियर मैंने कई बार बताया है कि मस्क डियर जो है वो आपको कहाँ मिलेगा वो आपको कोल्ड रीजन्स में ज़्यादा देखने में मिलता है हिमालयन रीजन्स में आपको ज़्यादा देखने में मिलता है स्पेशली आपका उत्तराखंड वाला रीजन आपका हिमाचल वाला रीजन हो गया थोड़ा कश्मीर एंड देन सिक्किम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ठीक है सो ये पूछा हुआ है कि कौन सा जो है इनमें से लाइकली हैबिटेट है आ, मस्क डियर का अभी करंट अफेयर कैसे इंस्पायर्ड है बिकॉज रिसेंटली गंगोत्री नेशनल पार्क से रोड बनाने के लिए उत्तराखंड का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उन्होंने परमिशन दी थी और कई सारे जो है इसके ऊपर वो निकले थे कि इससे जो है यहाँ पे जो मस्क डियर की पॉपुलेशन है उनको असर पड़ेगा सिमिलरली अश्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी जो है काफी ज्यादा फेमस है पिथौरागढ़ के पास में एंड दिस वॉज दिस इज वेरी वेरी फेमस फॉर लार्ज नंबर ऑफ मस्क डियर जो यहाँ पे मिलते हैं तो आंसर जो है आपका क्या है वन एंड टू रेस्ट में आपको जो है था देन इज रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इनमें से कौन सी चीज का इस्तेमाल करें तो वो इकोनॉमिक एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगा और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा तो अगेन क्वेश्चन जो है अपने आप में इट इज ट्रिकी बट इट इज ऑल्सो वेरी इजी ठीक है अब टेक इन ईजी कैसे करना रहा हूँ देखो वही बात है कि थोड़ा वाइड जो है आपकी पड़ी पड़ा होना चाहिए जिसमें मैंने आपको पहले सेशन में बताया था कि जोग्रफी जो है और सॉरी आपका जी एस जो है एवरी थिंग अंडर द सन इज द पार्ट ऑफ जीएस फॉर यू पीपल ठीक है सो हम लोगों ने आप जो आप अपने घरों के आसपास में जो अर्बन एरियाज में आप रोड कंस्ट्रक्शन देखते हो वो क्या होती है वो हॉट मिक्स ऑस्पोहॉल टेक्नोलॉजी होती है और उसमें आप देख सकते हो कितना जो है फ्लूम्स प्यूम्स प्लूम्स uh, निकलते हैं धुआं निकलता है और कितना ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है ठीक है सो ये तो जो है कम्पलीटली रॉन्ग है इसको तो आप देख सकते हो पहली देख के बता सकते हो इमेजिन करो जो आप रोड में कंस्ट्रक्शन वो देखते हो और uh, का जब uh, इस तरह की रोड कंस्ट्रक्शन चल रही होती है या रोड बिछा रहे होते हैं तो लुक लगाते हैं उसके ऊपर uh, बजरी गिराते हैं ऑल दैट्स अफ तो दिस इज कॉल्ड इट हॉट मेक्स एस टेक्नोलॉजी एंड दिस इज वेरी वेरी बैड फॉर एनवायरमेंट ठीक है सो चार ऑप्शन तो गलती हो गया चार ऑप्शन चार ऑप्शन तो हमने निगेटिव कर दिया ठीक है सो अगर इसका उल्टा क्या है कोल्ड मिक्स एस्पोहॉल टेक्नोलॉजी है सो दिस इज कम्पेरेटिवली बेटर यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं जो बिटोमिन है पत्थर है डांबर है और आपका जो एश uh, है या एस्पोहल ऑलरेडी कोल्ड नॉर्मल एम्बियड कंडीशन में मिक्स करके उसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं तो इससे फ्यूम्स नहीं निकल रहे तो कंपेरेटिवली कॉपर जो, uh, जो आपका कार्बन फुटप्रिंट सस्टेनेबिलिटी के मामले में ये ज्यादा ठीक होगा सो सर्च फॉर दैट ऑप्शन जहाँ पे दो है और चार नहीं है आंसर आपके पास पसता है वन ट्वेंट थ्री बाकी किसी के बारे में जो है हमें कुछ नहीं पता एंड इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट अगर यू हैव दैट ट्रिक टाइम है ट्रिक निकाल सकते हो तो यू कैन डू दैट ठीक है सो दिस इज द बेसिकली बात करी हुई है सो दिस इज द डॉक्यूमेंट फेर यू कैन चेक आउट कि हाउ ये बेसिकली इट इज़ प्रो एंड अगेंस्ट ऑफ कोल्ड एस टेक्नोलॉजी एंड हॉट एस्ट हॉट टेक्नोलॉजी तो आप इसको देख सकते हो जाके इजी रीड आउट बट वेरी डिफिकल्ट टू डू द क्वेश्चन देन कमिंग द क्वेश्चन इज की इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो कोल ऐश बहुत इजी क्वेश्चन है कोल के ऊपर हम इतना पढ़ते हैं कोल बेस फायर थर्मल प्लांट से क्या पोल्यूशन निकलता है कोल ऐश में क्या प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज कोल जो थर्मल प्लांट से जो कोल ऐश निकलती है फ्लाई ऐश जिसे हम कहते हैं फ्लाई ऐश होगी पावर्ड जो कोल पावर्ड पावर प्लांट्स होते हैं इनसे क्या प्रॉब्लम निकल के आ रही है कौन सी गैस निकलती हैं ऑल ऑफ दिस इज वी हैव ऑलरेडी रिटर्न सो कोल ऐश हैवी मेटल लाइक लेड कैडमियम यस आंसर इज अस्टाउंडिंग येस कोल फाइड पावर जो है वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं आंसर इज एन स्ट्राउंडिंग येस एंड हाई एश कंटेंट जो है इंडियन कोल में मिलता है येस ट्वेंटी परसेंट से ये हमारे पास जो है फोर्टी परसेंट के आसपास तक कोल में एश मिल जाता है जबकि नॉर्मली देखा जाए तो इट इज लेस देन ट्वेंटी परसेंट इन इंटरनेशनल कोल सो आंसर इज येस ऑल थ्री ऑफ देम आर ट्रू सो आई गेस दिस वॉज एन वेरी इजी क्वेश्चन टू डू एंड जिन्होंने थोड़ा बहुत जनरल आपका एनवायरमेंट पढ़ा है, उनके लिए क्वेश्चन था देन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स से बेंजीन पॉल्यूशन निकलता है बेंजीन पॉल्यूशन देखो हम लोग बेंजीन पॉल्यूशन को तब पढ़ते हैं जनरली हम जब इंडोर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं ना इंडोर पॉल्यूशन जब इन्वायरमेंट में बात करते हैं तब हम बेंजीन पोल्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एंड इफ़ यू नो अबाउट इंडोर पोल्यूशन तो इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन टू डू देखो रूल ऑफ थम्बेज कि किसी भी जो ऑर्गेनिक मटीरियल uh, को जलाओगे ऑर्गेनिक मटीरियल को कम्बस्ट करोगे तो उसके अंदर से जो है एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो निकलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो निकलेंगे निकलेंगे अगर इस थम को इस रूल को भी लगाओगे तो इस रूल के हिसाब से, से भी एक क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा अगर आप इंडोर पोल्यूशन के बारे में जानते हो तो भी इससे यूज हो जाएगा देखो इंडोर पोल्यूशन जो आपका वुड फर्नीचर है उसके लिए जो हम वार्निशेस यूज करते हैं पॉलिश यूज करते हैं उसके अंदर जो एक एक टिजिंग स्मेल होती है वो होती है बेंजीन की और ये बेंजीन जो है इसके अंदर होता है तो फोर ऑप्शन इज दे ठीक है पॉली यूराथिन पॉली यूराथिन के रीजन बनते हैं और ये रीजन किसके लिए यूज़ होते हैं एडेसिव्स के लिए यूज़ होते हैं ये रेजिन जो है फर्दर बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज होते हैं और ये बहुत सारे आपके इन आ, इंडोर एरियाज़ में जैसे आपको जो आ, बेसिकली फ्लोरिंग करवाते हो या फिर आप आ, और ये बहुत सारी चीज़ें पेंट पेंट्स लगाते हो पेंट्स एंड वार्निशिंग करते हो उन सब में जो है पॉली लगता है और इसके अंदर भी आपको बेंजीन देखने में मिला जब ये जलता है तो ये बेंजीन रिलीज़ करता है तो फोर एंड फाइव का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे फोर एंड फाइव वाला जो है यही है इफ नॉट यू कैन टेक द रूल ऑफ थम एंड से दैट हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको हैरोमेटिक कंपाउंड मिलेंगे तो कार्बन ऑटोमोबिल्स में हम लोग हाइड्रोकार्बन जला रहे हैं तो उससे आपको मिलेगा वॉलेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी सही है टोबैको स्मोक में भी मिलेगा वुड बर्निंग में भी मिलेगा बट देन वन टू एन थ्री में आके आप अटक जाओगे सो इफ यू नो अबाउट पॉलियोराथीन इफ यू ओनली नो अबाउट पॉलियोराथीन तब भी आपका आंसर हो रहा है तो क्वेश्चन इज यू कैन से बहुत डिफिकल्ट एज वेल एज ईजी डिपेंडिंग अपॉन की आपने कितना डीप में इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ है ठीक है सो इसके रिगार्डिंग जो है दिस इज दींक और रीडिंग मटीरियल जो मैंने डाला हुआ है ड्यूरिंग फायर पॉलीथिन यूराथीन जो है इट बर्न्स एंड रिलीज बेनजीन सो दैट इज द्वेशन ठीक है सो गाइज दैट इज इट एज फार एज दी मॉड्यूल ऑफ इन्वायरमेंट जोग्राफी एंड एग्रीकल्चर आई होप यू कूड अंडरस्टैंड चल रहे हैं हमने देखा कि जोग्राफी में जो है पूछ रहे हैं देखा की जो एग्रीकल्चर है बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेबल एग्रीकल्चर के ऊपर पूछा जा रहा है एज वेल एज बेसिक एग्रीकल्चर के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं एंड अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में बहुत सारा करंट से या आपका कंटेम्प्रेरी अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन जो है इनमें तीनों सेशंस में हमने देखा तीनों सेक्शंस में हमने देखा कि क्वेश्चन जो है वो कंपेटिवली टफ भी आ रहे हैं तो मैं अगर बात करूं इजी क्वेश्चंस की तो इजी क्वेश्चन में जो है आई गेस अराउंड जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे मॉडरेट लेवल पे जो है यू कैन से रेस्ट लाइक ट्वेंटी ट्वेंटी वेरी मॉडरेट एंड टफ में जो है आई कैन से लाइक थर्टी ऑफ देम वर टफ ठीक है थर्टी परसेंट के आसपास में टफ थे थर्टी परसेंट लगा लो इसको तो ट्वेंटी परसेंट वर्क